हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपसे विद एक्सरसाइज आई हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस और डाइट रिलेटेड चेंजेस एज वेल एज एक्सरसाइज से भी रिलेटेड आपको बहुत सारे आपको सावधानियाँ और कई तरह के प्रिकॉशंस बताए थे। जो आज का वीडियो होने वाला है वो पिछले वीडियो का ही एक्सटेंशन है, डाइट पर बेस्ड, क्योंकि जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो डाइट का था। डाइट से ही रिलेटेड आज पूरा वीडियो है। नाउ दिस वीडियो विल बी बेस्ड अपॉन विदाउट एक्सरसाइज। चाहे आप एक्सरसाइज करें चाहे ना करें, आपका पूरा फोकस होता है फूड के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो आप खाते हैं उससे ही आपका शरीर बनता है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और अपना वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर डूइंग एक्सरसाइज। तो इस वाले वीडियो में, जो पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था जिसमें कैलोरी काउंट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, वेल वी विल मूव ऑन विद ऑल दीज थिंग्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल और यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मेरे चैनल की आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलोरी काउंट को लेके, पूरी कैलोरी इनटेक कैसी होनी चाहिए आपको, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, आई विल टेल समथिंग मोर अबाउट इट इन दिस वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टमक फुलफिलमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए वो भी मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा मील टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड देर वॉज वन मोर, दैट इज़ द मॉडरेशन प्रिंसिपल। आई थिंक ये पूरे वीडियो में मैंने कई बार डिस्कस किया था मॉडरेशन। दोस्तों देखिए, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर का जैसा मैंने पिछले वीडियो बताया था, एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बड़ा ही ना जनरल एक स्टेटमेंट आती है कि 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 7 से 8 गिलास पानी अगर दोस्तों सभी पिएंगे तो मुझे नहीं लगता ये कोई लॉजिकल एडवाइस है किसी को देने के लिए जो वेट लॉस जर्नी पे है या वेट लॉस प्रोग्राम या किसी भी तरह की वेट लॉस अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होने की वजह से पानी कौन कैसे कितनी अमाउंट में पी सकता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं आपको बता दूं कि हर बार जैसा मैं बताती हूँ, हम सभी की बॉडीज़, हम लोगों के शरीर की बनावट अलग होने के साथ साथ हम लोगों की बॉडी का जो टाइप है वो भी डिफरेंट रहता है। वात, पित्त और कफ, ये तीन तरह के हमारे जो है त्रिदोष हमारी सभी की बॉडी मौजूद होते हैं। तो इनमें से कोई एक ना एक दोष ज़रूर डोमिनेंट होता है हर किसी की बॉडी में। हर किसी की बॉडी से मतलब, अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5ों मेंबर में कोई ना कोई, हर लेवल पे किसी का पित्त ज़्यादा होगा तो किसी का कफ ज़्यादा होगा, किसी का वात ज़्यादा होगा। सो अमंग दीज थ्री दोषाज, वन दोषा विल बी डोमिनेंट, मे बी पित्त, वात और कफ, वॉट एवर। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होने की वजह से क्या है, पानी का स्तर हम सभी की बॉडी में डिफरेंट होता है, और कंजम्पशन करने की जो कैपेसिटी है, कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है, उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे दिन में अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप यू हैव टू ड्रिंक वाटर। अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए पूरे दिन में मैंने पानी सिर्फ प्योर फॉर्म में नहीं लिया, मैंने कई तरह के फॉर्म में पानी पिया, वेदर थ्रू वेजिटेबल, बाई ईटिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फ्रूट में भी वाटर कंटेंट होता है, वेजिटेबल्स में भी वाटर कंटेंट होता है। कहाँ कहाँ से वाटर पूरे दिन में कंज्यूम हुआ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि सभी 7 से 8 गिलास पानी पी सकते हैं, हर किसी पर डिफरेंटली लागू होता है। पानी हमारी बॉडी से कई तरह की फॉर्म में रिलीज होता है, यूरिनेशन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, वाइल डूइंग एक्सरसाइज यू कैन यू मस्ट बी स्वेटिंग, और वट एवर वर्क यू आर डूइंग, इफ यू आर स्वेटिंग दैट मीन्स योर बॉडी इज रिलीजिंग वाटर इन वट एवर फॉर्म। इवन वेन यू आर स्पीकिंग, तब भी हमारे मुँह से पानी जो है जा रहा होता है हवा के थ्रू, तो वाटर तो हमारी बॉडी से निकल रही होता है। तो ये हमें अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग इसे देखना। गाइज, अवेयरनेस ऑफ फूड आइटम्स, वट एवर फूड यू आर ईटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस। हमारी बॉडी को वेट लॉस के वक्त ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन और फाइबर ही चाहिए। अलॉन्ग विथ प्रोटीन एंड फाइबर यू वॉन्ट अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ कार्ब्स, गुड फैट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो वाले फूड आइटम्स अपनी डाइट में शुरू कीजिए। ठीक है, जो आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फॉर्म में जमा ना हो,
जो गुड फैट्स होती हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जो आपको ओट्स के थ्रू मिल सकती हैं, क्विनोआ को इस्तेमाल करने से मिल सकती है। क्विनोआ जो है एक चौलाई का एक आपने देखा होगा सब्जी, जो पालक की तरह ही होती है, पत्तेदार सब्जी, उसके बीज होते हैं क्विनोआ, वाइट कलर का। एंड देर आर सर्टेन काइंड ऑफ फूड्स लाइक लेग्यूम्स ऑल्सो यू कैन इंक्लूड। लेग्यूम फैमिली में जैसे कि चिक पीज हैं, ब्लैक ग्राम्स हैं, अलग अलग तरह की पल्सेस हैं, लेंटल्स हैं, यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। एंड उसके अलावा अगर आपको हाई प्रोटीनिशियस डाइट चाहिए तो आप सोयाबीन्स ले सकते हैं, सोयाबीन्स रिलेटेड लाइक टोफू, देन सोया चंक्स, इट हैज़ इट कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा कई तरह की इस तरह की मतलब आइटम्स हैं जिन्हें इंक्लूड करने से आपकी बॉडी में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स भरपूर हो सकते हैं, जैसे कि बीट रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, जो आपके बॉडी में फालतू चर्बी, जो जंक फूड और उन सबको खाने से खटी हुई है वो कटेगी, तो इन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अवेयरनेस ऑफ फूड आइटम्स, जो भी आप खाते हैं उन्हें कुछ पोर्शंस में खाइए, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खा सकते हैं, लाइक सुबह का आपने नाश्ता किया तो उसे कितने अमाउंट में लिया, दोपहर का, एंड नॉट ओनली द लंच टाइम, लंच टाइम से ही पहले बीच के समय आप कितना ले रहे हो, तो वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, लाइक इंस्टॉलमेंट से कहीं से, तो उसमें भी आप थोड़ा 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 करके आप खाइए। ट्राई टू हैव न्यूट्रिशियस फूड जो कि कम्प्लीटली आपके वेट लॉस मील के मतलब जो डेडिकेटेड होना चाहिए। इस तरह आप वेट लॉस मील्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, उसके लिए आपको पहले तो ये भी चेक करना होगा कि फूड कॉम्बिनेशन आप कैसे ले रहे हैं। कई बार हमारे फूड कॉम्बिनेशन सही नहीं होते। फूड कॉम्बिनेशन से मतलब है कि जैसे अगर आप सैलड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो सैलड में लाइक ककम्बर, अनियन, टोमेटो, बीटरूट, यू कैन नॉट मिक्स ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जियाँ इन वन प्लेट। ककम्बर के साथ टोमेटो नहीं खाया जा सकता। अगेंस्ट मील कहते हैं, जो हिंदी में मुझे इसका एक पर्टिकुलर नेम नहीं याद आ रहा, विरुद्ध आहार जिसे कहते हैं। तो कुछ कुछ सर्टेन फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें मिक्सअप करने से ना नुकसान हो सकता है, लाइक अगर आप दूध भी ले रहे तो समटाइम्स क्लोक कर्ड या कस्टर्ड एक खाते हैं ना, तो कस्टर्ड में भी कई बार वो संतरे और कई तरह की इस तरह की एसिडिक चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। दीज थिंग हैव टू बी नीड टू बी कंसिडर्ड। मैं कई लोगों के मन में ही भ्रांति रहती है कि ये जो फूड हम बना रहे हैं, जो वेट लॉस मील्स बना रहे हैं, वो टेस्टी नहीं होती, मतलब बहुत ही ज़्यादा कच्चा, बहुत ही ज़्यादा उबला हुआ, या सोचते हैं कि अगर मैं इस तरह का फूड खाऊंगा तो वेट लॉस तो हो जाएगा बट मुझे ना स्वाद नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से क्या ना क्रेविंग्स ज़्यादा होने लग जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्रेविंग्स तो हो लेकिन उनको कंट्रोल करने की जो विल पावर अपने अंदर होनी चाहिए, तो वो क्या करें, उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट है कि जो आप वेट लॉस मील्स हैं ना अपनी स्पेशल प्रिपेयर कीजिए, वो टेस्टी भी होंगी, एटलीस्ट उन चीज़ों से ज़्यादा टेस्टी होती है जो ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा तली हुई और बहुत ज़्यादा खाने में क्रंची लगती है। फास्ट फूड से तो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, टेस्टी भी होती है और सात्विक भी होती है, जो कि आपकी बॉडी को फिजिकली ही नहीं मेंटली भी हेल्दी। और टी टाइम की अगर बात करें, जैसे 4 बजे का समय है या आपको कभी स्नैक्स भी खाने हो पूरे दिन में, तो स्नैक्स में सबसे बेहतर है आप पॉपकॉर्न्स खाइए। पॉपकॉर्न्स में दोस्तों हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छा था इफ़ यू आर ईटिंग पॉपकॉर्न्स। रोस्टेड चनाज आर ऑल्सो वेरी, इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स हैं, कई तरह के मेवे हैं, मूँगफली है, वॉलनट्स हैं, जो भी इस तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े बहुत आप कंज्यूम कर सकते हैं। गाइज, लोअरिंग योर रूम टेम्परेचर विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग योर वेट। हाउ? जब आप कमरों में बैठते हैं विदाउट स्विचिंग ऑन द फैन, वॉट विल हैपन, योर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग, लेट योर बॉडी टू स्वेट नेचुरली। क्यों ऐसा करना चाहिए? हमारी बॉडी जब हीटअप होगी तो जो नेचुरली स्वेटिंग होगी, उससे बॉडी हीटअप होने की वजह से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट विल बी बर्न आउट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ ग्राम्स में आपका वेट ज़रूर लॉस हो सकता है। मैं कह रही हूँ अगर 3 दिन की बात करें, और अगर आप डेली करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये हमेशा ही रेगुलर करते रहें, लेकिन आपको कुछ समय, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स आपको ऐसी जगह, और मैक्सिमम 30 मिनट्स आपको ऐसे जगह पर अपना समय बिताना चाहिए जहाँ रूम टेम्परेचर बहुत ही लो हो और अपनी बॉडी को आप नेचुरली स्वेट होने दें। चाहे आप बैठे ही हो, फिजिकली भी कोई एक्टिविटी ना कर रहे हो, तो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डिफरेंट डाइट प्लान अपना सकते हैं। डाइट प्लान भी तभी
जब आप किसी एक एक्सपर्ट की निगरानी में हो, कोई डाइटिशियन की निगरानी में, तो ज़्यादा सही रहेगा। केटो डाइट हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, सर्कैडियन रिदम फास्टिंग हो, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फास्टिंग, बट अपनी बॉडी टाइप को ध्यान में रखते हुए और विदाउट एनी नॉलेज प्लीज़ कोई भी किसी भी तरह की फास्टिंग स्टार्टिंग मत कीजिए। आप अपने बॉडी को देखते हुए और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हुए, या फिर जैसा जैसा मैंने आपको बताया है कुछ टिप्स आज शो इस पॉइंट से पहले बताएं, एक बार उन्हें अपना के देखिए, और हो सके तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर वॉच कर लें, सो डेट आपको एक अच्छा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि आप डाइट को लेकर किस तरीके से एक नेचुरली आप वेट लॉस कैसे प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिटिंग के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। फिजिटिंग के बारे में आपने सुना होगा, व्हाट इज़ फिजिटिंग? व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग एक्टिविटीज लाइक और जस्ट टिल्टिंग योर हैड अप एंड डाउन, और कभी जैसे यू नो की रिंग घुमाना एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर, यू आर इन द स्टैटिक पोजिशन, योर बॉडी इज डूइंग नथिंग, बट यू आर फिजिकली यू नो सम वॉट इफ यू नो 15 to 20% ऑफ आर बॉडी इज सम वॉट एक्टिव इन एनी वे, दैट इज़ वॉट फिजिटिंग। आजकल के जो रिसर्चेज हो रहे हैं, शोध में भी ये प्रूव हुआ है कि फिजिटिंग करने से, यानी विदाउट डूइंग एनी थिंग यू आर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग लाइक वॉट एवर एक्टिव, उसको करने से भी आप कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट अपनी बॉडी में बर्न करते हैं। फिजिटिंग भी हेल्प करेगा आपके बॉडी में वेट लॉस को प्रमोट करने के लिए। सो गाइज, दीज आर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। पेशेंस इज द की वेदर यू आर डूइंग एक्सरसाइज और नॉट। इफ यू लाइक माई वीडियो डू हिट द थम्स अप बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, और हो सके तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और भी लोगों से शेयर कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। चैनल पर नए हैं या चैनल काफ़ी समय से देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको हेल्थ ग्रूमिंग और लाइफ स्टाइल संबंधित इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।